नमस्कार, जे जी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निशा खन्ना। जिस तरह से महामारी के चलते हर चीज पर असर पड़ा है, वहीं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के चलते जिस तरह से एग्जाम थे वो भी परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई थी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी है उनको भी प्रमोट कर दिया था। लेकिन बात करूँ मैं ऑनलाइन एडमिशन की, जिस तरह से 12वीं का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से ऑनलाइन जो परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी हो चुके हैं, लेकिन नए बैच की बात करूँ तो नए बैच के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन आज जो मैं नेशनल कॉलेज में मौजूद हूँ, यहाँ पर भारी संख्या में जो विद्यार्थी हैं उनकी भीड़ देखने को मिली और वो भीड़ मैं आपको बता दूँ कि आज जो लिस्ट है विद्यार्थियों की, लिस्ट लगनी स्टार्ट हो चुकी है। आज पहली लिस्ट है, वही हम प्रधानाचार्य हैं उनसे जानेंगे कि दूसरी लिस्ट कब लगेगी और जो लिस्ट आज लगी है कौन कौन सी क्लासों की लिस्ट लगी और ये लिस्ट कहाँ तक गई है, पूरी जानकारी तो मैं उन्हीं से लूँगी। तो आइए मेरे साथ, आपको यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्हीं से मिलवा। आज BSc जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की लिस्ट लगी है और BCom फर्स्ट की, BSc फर्स्ट नॉन मेडिकल, BSc फर्स्ट मेडिकल और BCom फर्स्ट लिस्ट लगी है। तो सर आज जो लिस्ट लगी है कितने परसेंट पर गई और कौन कौन सी कैटेगरी की ये लिस्ट? कैटेगरी जो है वो सभी एज पर नॉर्म कैटेगरी को फॉलो किया गया है। जैसे पहले तो है जो ऑल इंडिया ओपन है और फिर हरियाणा ओपन है, उसके बाद जो है SC BC सभी कैटेगरीज की लिस्ट लगी है और उसमें जो परसेंटेज है हरियाणा ओपन की जो गई है वो लास्ट कट ऑफ जो है वो 92.2% है और हरियाणा ओपन की गई है 76.8 और जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसकी 72.2 गई है और SC की गई है 69.8 SC कैटेगरी की, BCA की गई है 66 और BCB की गई है 63%। ये है इन केस ऑफ नॉन मेडिकल BSc फर्स्ट की और मेडिकल की जो BSc फर्स्ट है उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है ऑल इंडिया ओपन की वो 97% गई है, मेडिकल की बात है ये, और हरियाणा ओपन की गई है 74.6%, SC की गई है 62% और दिस इज जो आगे गई है इसमें BCA की गई है 55% एंड BCB इज 60.4%। ये मेडिकल की है और BCom की कॉमर्स के अंदर फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है वो ऑल इंडिया ओपन की है 82.2, हरियाणा ओपन की है 79.8 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 78% एंड देन SC की गई है 51.4 और BCA की 70% और इसमें रीअपियर भी बच्चे, एक बच्चे का रीअपियर भी चल रही है लेकिन 70% गई है एंड इन केस ऑफ BCB यह 68% की मेरिट लिस्ट गई है जो लास्ट कट ऑफ है। वो 2 नवंबर को फिर फिजिकल काउंसलिंग से जो बची हुई सीटें हैं, जो बच्चे फीस नहीं भर पाएंगे या फिर जिन्होंने जो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं वो 2 तारीख को फिर फिजिकल काउंसलिंग होगी बची हुई सीटों के लिए, वो उसके बाद फिर वो फीस भर सकते हैं। दो तारीख को ये जो है, वैसे तो ये लिस्ट जो है फिजिकल काउंसलिंग आगे आएगी, अभी तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 तारीख की ओर है, उसके बाद भी हो सकता है कि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आए तो और भी लिस्ट लग सकती है, लेकिन 2 तारीख को आप लास्ट माने अभी तक, ठीक है ना, कि 2 तारीख को आप ज़रूर बच्चों को कन्वे कर दें और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बचे हुए बच्चे हैं वो 2 तारीख को ज़रूर फिजिकल काउंसलिंग पे यहाँ पे आ जाएं और अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करें ताकि उनको भी हम शामिल कर पाएँ और कॉलेज के अंदर वो पढ़ पाएँ। अब ये जो जिनका इस लिस्ट में नाम आया है उन बच्चों को ये लिस्ट कन्वे हो चुकी है, उसमें जो वेबसाइट पोर्टल है अपना कॉलेज का
वहाँ पे भी अपलोड हो चुकी है और बच्चों को भी, उन बच्चों को मैसेज भी जा चुके हैं, वो अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। जो लॉगिन उन्होंने अपना जो दर्ज किया हुआ है पहले एडमिशन के टाइम, लॉगिन आईडी के उनको मिला हुआ है, और वो लॉगिन आईडी के ऊपर उसको खोल के आप देख सकते हैं कि उनका नाम आया कि नहीं आया है, और उस बेस पे ही वो ऑनलाइन फीस ही भरेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर मुझे लगता है कि चलो वो तो आगे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी, लेकिन कोशिश यही है गवर्नमेंट की भी कि जल्दी से जल्दी क्लासेस लगाए जाएं। हो सकता है स्कूल अभी खुलने की बात आ रही है, स्कूलों की जब खुलने की बात आ रही है तो कॉलेज तो खुल ही जाएंगे, तो इसलिए नवंबर के अंदर ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी क्लासेस हम स्टार्ट कर दें। कि जिन बच्चों ने जो इस लिस्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं वो 2 तारीख को फिर दोबारा से आए किसी भी कॉलेज में, यहाँ पे भी, और डिंग मंडी का जो कॉलेज है उसमें भी उन बच्चों को भी कन्वे कर सकते हैं कि वो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी, उनको अपॉर्चुनिटी है 2 तारीख को, फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो दोबारा से फॉर्म वहाँ पे भरें। मैम हर बार ऐसे होता है, अभी कल हर डेट भाई डिले होती रहती है हर बार। पिछली लिस्ट लगी थी, पहले कहते ये कॉलेज में लगेगी, फिर कहते ऑनलाइन लगेगी, पहले पढ़ा नहीं, पहली लिस्ट कम गई थी। जनरल है, हम जनरल वालों के भेदभाव तो होता है, आपको भी पता है, तो उस हिसाब से भाई हमारा नंबर नहीं आया मैम, तो सेकंड में भी नहीं आया। आज उम्मीद रखते हैं मैम, आज आ जाना चाहिए। हाल में वो जो उनको कन्फर्म करना है एडमिशन वगैरह में, जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर सबमिशन में जो आ रही है, वो हम उनको गाइड कर रहे हैं भी कहाँ जाना है और क्या सिस्टम है। हाँ जी, हमारी टीम है मैम 1978 से हमारा ग्रुप कॉलेज में वर्क कर रहा है, बाई रोडी ग्रुप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमारे सीनियर थे, अब हम हैं, उन्होंने हमें जो जॉब दी है वो कर रहे हैं। अब तक कितने स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं, क्योंकि आज जो लिस्ट लगी है उसके बारे में थोड़ा बता दें। मैम अभी तक तो कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि अभी स्टूडेंट आए नहीं है, क्योंकि एग्जाम अभी ख़त्म हुआ है। जिन बच्चों को ज़्यादा नहीं पता उनको कन्वे कर रहे हो या फिर ना, जो भी पूछ रहे हैं मैं सबको कन्वे कर रहे हैं, जिनको नहीं पता उनके साथ चले जाते हैं, जो समझ जाते हैं उनको वैसे समझा देते हैं।